VS Code plugins तो बहुत है आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन वो सात कौन से प्लगइन हैं जिनके बिना मेरी जिंदगी नहीं चलती, और मैं अपने हर स्टूडेंट को, हर किसी को, हर डेवलपर को बोलता हूँ ये प्लगइन तो आपके पास होनी चाहिए। अगर ये प्लगइन आपने लगा लिए तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10x तो नहीं पर 2x जरूर हो जाएगी। तो पहला वाला है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर जो है मैं अपने फर्स्ट क्लास में लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि इसके आने के पहले मुझे बार बार एक चेंज करके कमांड आर कंट्रोल आर रिफ्रेश करना पड़ता था अपने चेंजेस देखने के लिए। लाइव सर्वर के साथ क्या फायदा होता है कि जैसे ही आप अपने फाइल को सेव करते हो वैसे ही ये सर्वर को ऑटोमेटिकली रीलोड कर लेता है। आओ देखा जाए कैसे यूज करते हैं। तो एक बार जब आपने लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लिया है तो स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। देखो स्टार्ट हो गया तुरंत से और स्टेटस बार से ये स्टार्ट स्टॉप हो जाता है। कोई भी पेज आपको चाहिए, जैसे मुझे इस पेज को स्टार्ट करना है लाइव सर्वर पे, तो मैंने उस पर क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर, और अब ये पेज लाइव सर्वर से कनेक्टेड है। तो अब अगर मैं इसमें कोई भी चेंज करूंगा वो चेंज तुरंत दिख जाएगा। तो चलो आदर्श बालिका को चेंज करते हैं, आदर्श बालिका की जगह तने भैया नाम रखते हैं यहाँ पर, तने भैया। और ये जब हमने किया सेव करते ही ये देखो चेंजेस यहाँ आ गए। तो ये आपका वो कमांड आर करने का और बार बार रिफ्रेश करने का टेंशन बचा रहा है, क्योंकि इससे एक सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि कई बार आप चेंजेस करते हो और आपको चेंजेस दिखते नहीं है, तो आप बोलते हो कि क्यों नहीं चेंज हुआ यार, वो कमांड आर वाला प्रॉब्लम, कंट्रोल आर वाला प्रॉब्लम आपका चला जाएगा। दूसरा प्लगइन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है CocaJS। इसके सबसे बड़ा फायदा क्या कि ये मेरा काफी टाइम बचा देता है। इसके पहले मैं या तो हर कोड को Node.js में रन करता था या ब्राउजर के कंसोल में रन करता था। Coca के आ जाने से JavaScript और TypeScript का कोड वहीं के वहीं रन हो जाता है और काफी सारा समय बच जाता है। आइए देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको इंस्टॉल कर लिया उसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट पी अगर आप दबाएंगे और CocaJS स्टार्ट ऑन करेंट फाइल सेलेक्ट करोगे जैसे ही, तो उसके बाद आप देखोगे कि जितने कंसोल लॉग्स हैं वो स्क्रीन पर ही दिखने शुरू हो गए, और आपको इसको मैन्युअली रन करने का जरूरत नहीं है, ब्राउजर में देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नंबर है बस वो नंबर आप टाइप करोगे और आप देखोगे कि उसका आउटपुट क्या है। देखो एरे का आउटपुट आपको दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ पर नंबर, और आपने देखा साइड में आपको आउटपुट दिखना शुरू हो गया और टर्मिनल पे भी आपको आउटपुट दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि बस एक जगह आपको आउटपुट दिख रहा है। तीसरा प्लगइन जो है GitLens, यार ये हमने इतना यूज किया है माइक्रोसॉफ्ट में। देखो जब तुम अकेले कोड करते हो ना तो इस प्लगइन की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन जब आपके साथ 10, 20, 50, 100 लोग कोड कर रहे हैं और कोड रेगुलर चेंज हो रहा है, आपको पता नहीं कि कोड का लास्ट चेंज किसने किया है, और GitLens और भी पावरफुल हो जाता है क्योंकि ये Git के सारे पावर को आपके VS कोड के अंदर लेकर आ जाता है। देखो एक बार जब इंस्टॉल हो जाता है तो फिर गजब की पावर अनलॉक हो जाती है। आप कहीं भी किसी भी लाइन पे होवर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें चेंजेस किसने किए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, कब इसने पुश किया था, किसने पुश किया था, और पूरे के पूरे फाइल के चेंजेस भी आपको दिख सकते हैं। देखो पूरा फाइल में जो जो चेंज हुआ है बहुत पावरफुल है, आप सबको देख सकते हो, हर ब्लेम देख सकते हो कि कहां कब क्या चेंज हुआ है, और जब कोई एरर आता है तो ये चीज बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि आप उस इंसान से बात कर सकते हो जिसने पहले ये कोड लिखा था जो अभी एरर जनरेट कर रहा है। चौथा वाला प्लगइन थोड़ा छोटा सा है बट बहुत काम का है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हम बहुत कर देते हैं। तो जब हम किसी टैग को रीनेम करते हैं और उस समय हम उसके क्लोजिंग टैग को रीनेम करना अगर भूल जाएं तो वो ये तो एरर देता है, या आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ओपनिंग टैग को रीनेम किया है तो क्लोजिंग को भी रीनेम करे। तो ये ऑटो रीनेम प्लगइन जो है बहुत काम का है। आओ देखिए कैसे। तो देखो ये HTML, XML, React किसी के साथ भी चलता है। एक TSX फाइल लेते हैं और इसमें हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, बॉक्स कंपोनेंट को स्टैक कंपोनेंट में चेंज करना है हमें, तो हमने कर दिया। इतना ही नहीं, देखो HTML फाइल्स पे भी ये बहुत आराम चलता है। एक HTML फाइल लेते हैं और इसमें छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, और तुम देखोगे कि जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं ओपनिंग टैग पे वैसे ही क्लोजिंग टैग पे भी चेंज हो जा रहा है। एक बार और एक और चेंज करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो। तो जितनी बार आप चेंजेस करोगे उतनी बार आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि क्लोजिंग टैग चेंज किया है कि नहीं, एरर का टेंशन नहीं रहेगा। रुको, इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े और सारे प्लगइन्स देखें, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 5 पे है बेटर कमेंट्स। देखो एक तो बहुत कमेंट्स लिखना नहीं चाहिए, बट अगर कोड में कमेंट्स लिख रहे हो, टू डू डाल रहे हो, कोई एक्सप्लेनेशन डाल रहे हो, तो बेटर कमेंट्स को रीडेबल बनाता है, ग्रे आउट कर देता है, ताकि आपका ध्यान कोड पर रहे, कमेंट पर ना रहे। तो आओ देखो इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे ही तुम इसे इंस्टॉल करते हो तुम देखोगे कि सारे कमेंट्स तुम्हारे ग्रे आउट हो गए, बट जरूरी तो नहीं है कि सारे कमेंट्स ग्रे आउट ही रहे।
माना कि कमेंट जरूरी है, जरूरी भी नहीं होता कि सारे कमेंट्स आपके आंख में छुपते रहें, बट दोनों ऑप्शन मिलना चाहिए आपको। तो आप क्या कर सकते हो इसके थ्रू, आप कुछ कमेंट्स को क्वेरीज में चेंज कर सकते हो, कुछ कमेंट्स को आप हाइलाइट्स में चेंज कर सकते हो, कुछ कमेंट्स को आप टू डूज में भी चेंज कर सकते हो। जो टू डू करोगे तो देखो हाईलाइट हो जाएगा थोड़ा सा और, कि ये टू डू है और अलग अलग कलर है और प्यारे कलर है, काफी अच्छा कलर है, फिर भी अभी भी चुभ नहीं रहा है। अलर्ट्स भी यूज कर सकते हो, देखिए अलर्ट यूज किया हमने। तो इस तरह आप कमेंट्स को भी डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में बांट सकते हो, और इसका ये फायदा होता है कि जो आपका कोड पढ़ रहा है समझ में आ रहा है कि ये कमेंट एक टू डू है, ये एक हाईलाइट है, ये एक अलर्ट है, और बाकी सारे कमेंट्स एक्सप्लेनेशन है, तो उन पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। देखो अब आ गया है मेरा सबसे फेवरेट, सबसे प्यारा प्लगइन प्रीटियर। सुंदर दिखना, कोड को सुंदर दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उसको पैटर्न में पढ़ पाते हो, और सबको एक जैसा कोड पढ़ता है तो पैटर्न रिकॉग्निशन बढ़ जाता है। इसलिए प्रीटियर के बिना तो कोई कोड बेस होना ही नहीं चाहिए, और ये आपके VS कोड में हमेशा रहना चाहिए। चलो आओ देखते हैं इसको कोड में कैसे यूज करते हैं। तो कोड में जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद ये हर फाइल पे काम करना शुरू कर देता है। तो मैं जानबूझकर थोड़ा गंदा कोड लिखूंगा, अननेसेसरी स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, ताकि तुम्हें स्पेस मिले। और उसके बाद जैसे ही मैं इसको फॉर्मेट करूंगा, प्रीटियर जो है बोलेगा हट, सारी गंदगी वो हटा देगा। बहुत ही प्यार से आप किसी भी फाइल को फॉर्मेट विद प्रीटियर कर सकते हो, वो भी काम करता है। और आप ये भी कर सकते हो कि हर फाइल को सेव पे, जैसे अभी तो मैंने फॉर्मेट किया, हर फाइल को सेव पर खुद से खुद प्रीटियर चलाने का मौका मिल जाए। एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जब आप टीम में काम कर रहे हो तो जो स्टाइल होती है ना कोड की, स्टाइल मतलब ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर, तो किसी को किसी तरह का कोड सुंदर लगता है, किसी को किसी तरह का कोड सुंदर लगता है। तो अपने टीम से बात करके कॉमन स्टाइल सेट कर लेना, ताकि सारे प्रीटियर्स एक जैसे चले, अलग अलग ना चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात की। इसके पहले कि मैं अपना फाइनल और फेवरेट प्लगइन बताऊं जिससे आपकी कोड क्वालिटी 10x इंप्रूव हो जाएगी, आप मुझे बताओ कि आपका फेवरेट VS कोड प्लगइन क्या है कमेंट में। जब सुंदर कोड की बात हो गई तो सातवें नंबर पे बहुत ही प्यारा सा प्लगइन है ESLint। जब हम कोड लिखना शुरू करते हैं हमें नहीं पता होता कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, हम यहाँ वहाँ कभी कभी गलत कोड लिख देते हैं, इसलिए शुरुआत में ही एक अच्छा ESLint स्टाइल गाइड को अगर आप फॉलो करना चाहोगे, जैसे मैंने जब शुरुआत किया था मैं Airbnb का फॉलो करता था, माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनल होता था, तो कई सारे लोग अपने स्टाइल गाइड पब्लिश करके रखते हैं ESLint के थ्रू। इसमें क्या होता है कि अगर आप बैड प्रैक्टिसेस वाला कोड लिखोगे तो वो तुरंत ऐसे रेड स्क्विगली लाइन लेकर आ जाता है, बोलता है ये बैड प्रैक्टिस है, इसको सही कर लो। तो आपकी कोडिंग की जो क्वालिटी होती है वो ऑटोमेटिकली सुंदर हो जाती है, और आपको बहुत सारे जो कन्वेंशन हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो आपको याद नहीं रखना पड़ता। तो अगर अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो ये प्लगइन तो इंस्टॉल कर ही लेना। जानो कि ओपिनियंस हैं, कोई परम सत्य नहीं है, बट अच्छे ओपिनियंस को फॉलो करोगे तो कोड क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाएगी तुम्हारी। तो और एक बार देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये JSON फाइल में आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन डालना पड़ता है, काफी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगेन कॉन्फ़िगरेशन कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे ये काम करने लगता है, इसके बाद देखो कुछ भी मैंने गलती की तो वो रोने लगेगा, रेड रेड कर देगा। इतना ही नहीं, आगे एक रूल है, जैसे इसमें देखो एक रूल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक रूल है कि HTML has lang, कहाँ गया, हाँ HTML has lang, और ये एरर देगा। तो अगर मैं HTML फाइल से लैंग्वेज हटा दूंगा तो देखो ये एरर तुरंत रो करने लगता है, तुरंत रोने लगता है। तो ये एरर्स, ये वार्निंग्स, ये सब आप कन्फिगर कर सकते हो, रूल्स आप कन्फिगर कर सकते हो, आपको मिल भी जाते हैं काफी सारे सेट रूल्स। और जब ये रूल्स आप कॉन्फ़िगर कर देते हो तो आपकी कोड क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कोडिंग वीडियोस आ रहे हैं इस साल, भूलना मत सब्सक्राइब करना।